अगेन वेलकम एक नई वीडियो के साथ। पहले तो मुझे ये बताओ, कल एक बंदे ने कमेंट किया था, दोस्तों स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ साजन कुमार और आज की टिप्स बताने से पहले सबसे पहले तो मुझे एक चीज बताओ, कल किसी ने कमेंट किया था मेरी वीडियो पर, मुझे वीडियो वो याद नहीं है कौन सी थी, शायद इंट्राडे टिप्स की थी, उस पर लिखा था कि भाई आपका हेयर स्टाइल मस्त है। अरे ना इधर से है ना इधर से है, टकला करके आया हो और आप मेरा हेयर स्टाइल बना रहे हो। सुधर जाओ भाई सुधर जाओ। बाकी देखिए एक बात और बता दूं कि मुझे आपकी बातों का कुछ भी बुरा नहीं लगता है, मैं आपको छोटा भाई बड़ा भाई बहन भाई जो समझना है वो समझ लेता हूं। सो अच्छा लगता है कि आप भी मुझे अपनी फैमिली जो है वो समझने लगे हैं और ये फैमिली बहुत जल्दी ग्रो कर रही है तो अच्छा लगता है। तो आज का जो स्टॉक है वो है आपका मैरिको। तो सबसे पहले रीजन को समझते हैं, व्हाई आई हैव सेलेक्टेड, ठीक है, मेरी अंग्रेजी कमजोर है कोई इशू नहीं है। तो देखो यार, सबसे पहले तो बता दो कि आज स्टॉक ने जो क्लोजिंग दी है वो 303 के ऊपर दी है, तकरीबन 303 रुपए 50 पैसे, 300 का लेवल तोड़ दिया। तो यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो स्टॉक एक जोन के अंदर था आप देखोगे, और इस जोन को इसने यहां से तोड़ा था। अभी इस जोन को इसने कंप्लीट किया, ये वाले जोन को, बट ये इस जोन के ऊपर क्लोज दे गया है, ये बात ध्यान रखिएगा, इस रेंज के ऊपर क्लोज दे चुका है। तो ये एक हमारे लिए पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन कैसे हुआ ये भी बताता हूं। पहली बात, जोन के ऊपर क्लोज हो रहा है, कुछ दिनों से यहां पे ट्रेड कर रहा था, 1 2 3 3 दिनों से लगातार कंसोलिडेट कर रहा था, आज इसने ये हाई मार दिया है और इस कैंडल का भी हाई तोड़ दिया। अगर ये कैंडल का हाई तोड़ा है तो डेफिनेटली अगला टारगेट 320 तक बनेगा ही बनेगा। वो किस जोन के हिसाब से बनेगा, कहां बाय करना है, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। और एक चीज और, आपने मुझसे ना कमेंट किया था कि सर आप जोन जो है वो लिख के बताया करिए, तो मैं आपको बता दूं, देखो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट samajhaikya.in, इस पे मैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए डेटा डालता हूं, बट इसमें अब मैंने एक टैब जोड़ दी है भाई, वो है स्टॉक मार्केट। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं samajhaikya.in, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, निश्चित रहिए। अगर आप इस पेज पे आते हैं तो जो भी लेटेस्ट पोस्ट होती है उसको देख लिया करो। जैसे कि अभी पिछले डे हमने कौन से ट्रेड लिया था, मेरे ख्याल से बर्जर पेंट था शायद, है ना, BPCL सॉरी। तो देखो इसके सारे जोन थे यहाँ पे कि किस जोन पे बाय है। आज ये ओपन ही कहाँ हुआ था, मेरे ख्याल से ये वाले जोन पे ओपन हुआ था, 354 पे। तो यहां से हमने रिटर्न 47 के करीब सोचा था, तो वैसा ही हुआ, स्टॉक जो है 50 तक मेरे ख्याल से गया था लो। तो ये जोन में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। चलो अभी बात करते हैं, टाइम बहुत हो गया। तो पहला रीजन मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया कि इसके ऊपर क्लोज है। दूसरा रीजन आपको ये भी दिखा देता हूँ कि भैया जो इसका ऑप्शन का डेटा है, अब ऑप्शन आपको पता है या नहीं पता कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट नहीं करना अच्छा लगता। तो देखो इसकी जो ऑप्शन राइटिंग है वो सबसे ज्यादा 345 320 के पास है, ठीक है। तो यहाँ पे आज काफी तादाद में जो है कॉल को शॉर्ट किया गया है, ठीक है। तो ये शॉर्ट किया गया है, अब शॉर्ट किया है तो अप्रोक्सीमेटली स्टॉक यहां तक 320 तक एक बार जाने की कोशिश जरूर करेगा। और दूसरी बात ये कि स्टॉक ने 300 के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे 300 के लेवल पे पुट सॉरी जो कॉल्स है उसमें से डेटा माइनस हुआ है, डेटा माइनस हुआ है, मतलब जिन्होंने शॉर्ट की थी वो अपनी पोजीशन आज क्लोज कर चुके हैं। डेफिनेटली वो अगली शिफ्ट हुए हैं 310 पे और सबसे ज्यादा शिफ्ट हुआ है 254 पे। तो होप सो इस हफ्ते हमें एक स्विंग ट्रेड भी इसके अंदर मिल सकता है 320 तक। तो फिलहाल हम कल के लेवल्स को जानते हैं, समझते हैं कि कैसे हमें ट्रेड करना है। तो ये इसके कुछ जोन्स हैं जो मैंने बनाए हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अगर मार्केट कल नेगेटिव रहती है, मेरे ख्याल से मार्केट नेगेटिव ही ओपन होगी, अगर मार्केट नेगेटिव ओपन होती है तो ये स्टॉक नियर अराउंड आपको 97 से 96 के बीच में ओपनिंग देगा, यू टर्न मारेगा 94 तक, मैक्सिमम 94 तक, या फिर इससे ज्यादा कहां तक जा सकता है वो भी बता देता हूं। मैक्सिमम जो डाउनसाइड होगा वो 292 से लेकर 290-60 के बीच में हो सकता है, ये लेवल यहां पे देख लो 290 से लेके 292 के बीच में, ठीक है। अब यहां तक आएगा, उसके बाद ये ऊपर जाएगा, हाई तोड़ेगा, फर्स्ट टाइम आप एंट्री ले सकते हो, ये बात ध्यान रखना। लेकिन जो आप स्टॉप लॉस डालोगे, फॉर एग्जांपल यहां पे ओपन होता है, नीचे जाता है, यहां हाई मार गया, आप लोग यहां पे डायरेक्टली एंट्री कभी भी एकदम से मत ले लेना अगर इसने मौका नहीं दिया।
कुछ देर यहां पे ट्रेड करेगा, एक कैंडल हाई के ऊपर क्लोज होगी, सेकंड वाली कैंडल जब उसके ऊपर दोबारा क्लोज दे देती है हम तब एंट्री लेंगे, लेकिन अगर स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट करे तो बेटर है। लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट बहुत ज्यादा नेगेटिव ओपन होगी, तो दोस्तों ये स्टॉक नियर अराउंड आपको 292 से लेके 290 के बीच में ओपनिंग दे सकता है। यहां से अप ट्रेंड जाएगा 95 तक, वहां से यू टर्न मारेगा नीचे की तरफ और फिर ऊपर आएगा, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट अगर ज्यादा नेगेटिव ओपन हुई तो फिर ये क्या करेगा, यहां पे ओपनिंग देगा सॉरी 292 से 90 के बीच में, यहां से ऊपर जाएगा 94.80, नीचे आएगा और ऊपर जाएगा 297 से लेके 60 तक अगर इसने डे हाई तोड़ा तो। तो यहां पे आपका पहला टारगेट 97 से 96.45, अगला टारगेट आपका होगा 299 का। तो यहां पे भैया प्रॉफिट बुकिंग करनी होगी 6 रुपए के टारगेट के साथ, तो कर लेना जिन्होंने वो स्ट्रेटजी अपनाई होगी 7 रुपए वाली। तो यहां से आपको सेकंड टारगेट मिल जाएगा 302 का, यहां पे आपको कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, स्टॉक नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा 305, 308, 310, उसके बाद में डिस्कस करते हैं आपके साथ। फिर हम आते हैं कि अगर ये स्टॉक ओपनिंग देता है 294 पे तो आपको फिर से वही करना है, ठीक है, 92 तक जाएगा, यहां से ऊपर की तरफ जाएगा, आप लोग एंट्री ले लोगे थोड़ा देर कंसोलिडेट करने के बाद और आपको वो जो ऊपर वाले टारगेट हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे। अब अगर स्टॉक नीचे ओपनिंग देता है यानी कि 302 से लेके 299 के बीच में ओपनिंग देता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है इसके ऊपर जाने का। जैसे ये हाई मारेगा थोड़ी देर कंसोलिडेट करेगा, आपको वेट करना है इसका कंसोलिडेट का। याद रखना है एकदम से एंट्री नहीं लेनी होती है, जब नीचे आएगा ऊपर जाएगा थोड़ी देर रुकेगा आपने तब एंट्री लेनी है। अगर ये एकदम से ऊपर चले जाएगा जाने दो यार, कोई इशू नहीं है, हम लोग दोबारा बाय करेंगे 305 के ऊपर, ठीक है। तो यहां से 305 पहुंचेगा, समझ लो नीचे आया ऊपर गया एकदम से 305 चलेगा, आपको एंट्री नहीं मिली कोई बात नहीं, नहीं मिली हम वेट करेंगे इसके नीचे आने का। नीचे आएगा नीचे से सपोर्ट लेगा ऊपर का हाई तोड़ेगा तो हम 308 के लिए जाएंगे, 310 के लिए जाएंगे, 315 के लिए जाएंगे। तो इस तरह से ट्रेड करना होता है, ठीक है। तो ये लेवल्स हैं, उसके बाद 305 का लेवल है, डाउन जा सकता है 302 301 जाने दीजिए, ऊपर की तरफ फिर यहां से निकलेगा 305 को जैसे ही क्रॉस करेगा हाई तोड़ेगा तो 308 310 का टारगेट मिल जाएगा। अब मैं ऊपर के टारगेट्स भी आपको बता देता हूं कि बाय डिफॉल्ट अगर स्टॉक आपका कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव ओपन हो जाता है तो फिर ये 308 से 307 के बीच में नीचे जाएगा 304 तक, वहां से ऊपर आएगा, जैसे ब्रेकआउट देगा आप लोग एंट्री ले सकते हो और 310, 313, 314, 316, 320 का मैक्सिमम टारगेट लेके चलो, इससे ज्यादा मत लो, ठीक है। तो ये कुछ टारगेट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। 310 पे ओपनिंग होती है तो नीचे जाएगा 307 से 8, फिर उसके बाद ऊपर ऊपर ऊपर। तो इसके जो जोन है वो कौन कौन से जोन है बाइंग के, 313 से 12, 314 से 95, 316 पे बाइंग नहीं बनती है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहां से ये नीचे की तरफ ही आ सकता है, ज्यादा ऊपर ओपन तो देता है, अगर ये 310 या 313 12 के करीब ओपन देता है तो हम हाई पे ही बाय करेंगे, इसको नीचे जाने देंगे और ऊपर जब तक हाई नहीं तोड़ेगा 314 15 का तब तक बाय मत करना, मतलब हमको हाई पे ही बाय करना है। अब जिनको ये वाले जोन चाहिए वो जोन आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट samajhaega.in के ऊपर, निश्चित रहिए कुछ ही देर में। दूसरी बात ये कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, जोन्स आपको बता दिए हैं। और भैया कल मार्केट नेगेटिव है, थोड़ा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा क्योंकि रिस्क हो सकता है, कल हो सकता है ये ऊपर ही ओपन ना हो, ज्यादा ही नीचे ओपन हो जाए, 90 का लेवल तोड़ेगा तो हमको एंट्री नहीं लेनी, ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है बायर और सेलर, ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है कि निचले लेवल से जब स्टॉक ऊपर आता है क्या बायर इंक्रीज होता है या नहीं होता है, ये बात ध्यान रखनी है। साथ में उतनी क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए जितनी में आपको डर ना लगे और उस प्रॉफिट को आप हजम भी कर सकें लॉन्ग रन के लिए। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।